नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। धैर्य रखें श्रमिकों, ताकि अपनी मातृभूमि के बजाय जेल न जाना पड़े। अहमदाबाद में सोमवार को श्रमिकों को एसटी बसों से साबरमती स्टेशन ले जाया गया था, जहां से सोनकी चालचार रास्ते पर मंगलवार को अफवाहों के बीच 3,000 से अधिक लोग वहां इकट्ठा हुए थे। लोगों को वतन जाने के लिए ले जाया जाएगा और लोगों को सामाजिक दूरी के बिना इकट्ठा होना पड़ा। उन्हें पुलिस द्वारा समझाए जाने के बाद घर वापस भेजा गया। मुख्यमंत्री के सचिव अश्वनी कुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को वापस आने के लिए ट्रेन बसें और निजी बसें प्रदान की हैं। उन्होंने आगे आकर कहा कि अब तक प्रांत के 3,25,000 कार्यकर्ता घर पहुंच चुके हैं। केंद्र सरकार की मदद से राज्य सरकार से 35 ट्रेनों के माध्यम से 42,000 श्रमिकों को अपनी मातृभूमि तक पहुंचाया गया है। अब भी उन्हें सुविधा अनुसार भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने की पुष्टि, कोई भी श्रमिक अपने वतन जाने से वंचित नहीं रहेगा। पेश है अहमदाबाद से सुनील माचा की खास रिपोर्ट। कल सोनीनी चाली से लगभग एक ट्रेन पूरा लगभग 1200 लोग को यहाँ से बिहार ट्रेन में भेजा गया था। तो इन्हीं का आप जो पब्लिक आए तो उनका यही उम्मीद था कि आज भी यहाँ से बसेस जाएंगे बिहार के लिए और उसमें बैठ के अपना घर वापस लौट सके। इस उम्मीद से काफ़ी पब्लिक इकट्ठा हुआ है, बट इनको समझा दिया गया कि जब आपका मंजूरी आएगा आपकी खुद की डिस्ट्रिक्ट से और जब यहाँ से लिस्ट जाए आपकी डिस्ट्रिक्ट में जाएगा और वहाँ से जब मंजूरी आएगा और जब आपको फ़ोन करके बताया जाएगा उसी टाइम पर यहाँ आने के लिए और जब परमिशन आने के बाद ही अपने घर जा सकते हैं। इसमें अफवाह से ज़्यादा होप था पब्लिक में कि कल बसेस निकली है, आज भी बसेस निकल सकते करके होप था। इसमें मैसेज एंड तक पहुंचा नहीं है। कई लोग, इनका दोस्त लोग कल निकल गए तो उनको यही लगा कि ये लोग निकल गए तो हम भी निकल सकते, हमारे लिए भी बसेस लग सकते। बल्कि इनको कल बहुत क्लियरली बताया गया है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद जब परमिशन आएगा तभी आप जा सकते हैं। बट कई लोग तक ये मैसेज पहुँच नहीं पाया तो इसके वजह से बहुत सारे लोग इकट्ठा हुआ। बट आज इनको समझाया गया क्लियरली कि 2-4 दिन में आपको भी फ़ोन आएगा और हमने भी अब पुलिस की तरफ से लगभग 6,000 की लिस्ट बना के हमने कलेक्टर ऑफिस में दिया है ताकि इनका जल्दी से जल्दी मंजूरी आए और इनको अपना घर भेजा जाए।